सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की पीछे की बैक डिज़ाइन। ये हमने पीछे का पल्ला बॉर्डर है इसलिए हमने 14 इंच का लिया है और हमारी चेस्ट है 10 इंच तो हमने इसे 10.5 लिया है। 40 का सीना है हमारा। अब हम यहाँ से 3 इंच चौड़ाई पे गले को लगाएंगे तो इसे हम हटा के रख दें। सबसे पहले हम बुकरम पे डिज़ाइन बनाएंगे तो हम यहाँ से जैसे चेस्ट हमारी 40 है तो हम उसकी चौड़ाई बुकरम की बनाएंगे तो 3 इंच लेंगे। अगर हम वैसे सादा गला बनाते हैं तो 2.5 भी ले सकते हैं, 2.75 भी ले सकते हैं। ये हमने बुकरम ली है वो 9.5 लंबाई में और 8.5 चौड़ाई में, तो हम इसका गला 9 इंच का लंबा रख रहे हैं और 3 इंच 6 इंच की चौड़ाई है। अब हम दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से और इसमें बनाएंगे गोल गला। अब हम यहाँ से भी आधा इंच हमने एक कपड़ा लिया इसके ऊपर हमें गले को रखेंगे और इसके ऊपर मशीन चलाएंगे। अब हमें कपड़े को इसके ऊपर दबा के मशीन चलाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से नापेंगे बराबर। और इसमें बीच में निशान लगा लेंगे कैंची का। इसी तरीके से हमें गले पे भी निशान लगा लेंगे। ये हमारे पल्लर डबल है, हमने एक कैंची का निशान लगा लिया। अब हम ये सीधा है हमारा कपड़ा, इसके ऊपर हमें कपड़े को रखेंगे और यहाँ से हम निशान को बराबर मिला के यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा कपड़ा बराबर हो जाए, इसमें लग जाए बराबर। अब हमने ये सीधी सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पे डिजाइन की जैसी सिलाई लगाएंगे, बुकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम ये दूसरी सिलाई यहाँ से चालू करेंगे। अब हम ये कपड़े को अंदर का कपड़ा काट लेंगे, जिस तरीके की हमारी डिजाइन है उसी डिजाइन का हम ये कपड़ा काटेंगे।
अब हम डिजाइन को अंदर की साइड दबा देंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमने डिजाइन बन गई हमारी। डोरी बनाएंगे, डोरी के यहाँ पे हम कुंदी लगाएंगे। जिस तरीके का हम नारा बनाते हैं उसी तरीके की हम ये पट्टियाँ बनाएंगे। एक कपड़े को पहले हम इस तरीके से डबल करेंगे, फिर इसको अंदर की साइड में दबा के इसके बगल से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके दो दो इंच के ये हमने सिलाई लगा के आगे पीछे दोनों तरफ हमने बगली बगली से दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके दो दो इंच के या डेढ़ डेढ़ इंच के टुकड़े करेंगे। तो हम ये टुकड़े दो इंच के कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक एक इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे हम निशान लगा लिए एक एक इंच पे। अब हमने पट्टियों को इस तरीके से दबा के इसमें हम ये लगाएंगे। इस तरीके से हमें लगाएंगे पट्टियों को डबल करके। अब हमने पट्टियां काट ली हैं। गले की पाइपिंग होती है इस तरीके से, तो हमें पट्टियों को पहले इस तरीके से नाप लें और इसको इस तरीके से जोड़ लें। और इसको पहले सीधा कर लें और इसको हम देख लें ये हमारा उल्टा है, तो इसके बीच में हमें धागे को तक के सिलाई लगानी है जिसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। अब हम पाइपिंग को इसके नीचे दबाएंगे। अब हमें पट्टियों को लगाते हुए पाइपिंग लगाएंगे।
इस तरीके से हमने पट्टियाँ लगाई हैं। एक हमने एक डोरी बनाई है, जैसे हम पीछे बांधते हैं डोरी को उसी तरीके से, तो हम ये फंदों में डोरी को फंसाएंगे। अब हम इसको इसके बराबर करेंगे। और ये डोरी को हम इसमें दबा देंगे इस तरीके से। और इसको हम कच्ची सिलाई को पहले हम इस पर तुरपाई करेंगे, फिर ये कच्ची सिलाई को हम हटा देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।